एक समय के बात छे, भगवान शिव नहाय रहल रहे कि उनको माथा से पांच टो बाल गिरी पड़ल। उ पांचो बाल गिरत है, पांच गो सुंदर कमल के फूल बनी गल। और तनिये देर में उ पांचो फूल पांच गो सुंदर देवी में बदली गल। पांचो देवी के नाम रहे मैना, नेतीला, जया, पद्मा आरु मनसा। आरु हुनी भगवान शिव के मानस पुत्री कहले। मानस मने जे मानव रूप में हुए छे ओकरा मानस कहे छे। तो एक दिन ही मानस पुत्री माय पार्वती के खराब बर्ताव के कारण खिसिया के अपनो पप्पा भगवान शिव के पास गेले आरु बोललके कि हमरा धरती पे पूजा हो के आशीर्वाद दहो। तो भगवान शिव बोललके कि धरती पे अंग प्रदेश में चंपा नगर नाम के एगो जगह है, वहाँ हमरा एगो अटूट भक्त रहे छे। यदि वो तोरा पूजा करी लेलको तो सब भय तोरा पूजा करे लगतो। तो इस सुनी के भगवान शिव से आशीर्वाद लेके पांचों बहिन धरती पर चली पड़ल। अब चांद सौदागर जी रहे, चांद सौदागर चंपा नगर के एगो खूब प्रसिद्ध शिव भक्त रहे, व्यापारी। उनको देश विदेश में खूब काम चले रहे। उनको 6 बेटा रहे और उनको परिवारों पर लक्ष्मी माँ के खूब आशीर्वाद रहे, खूब धन धान्य से भरपूर परिवार रहे। तो जखनी वो पांचों मानस कन्या ने चांद सौदागर के सामने अपनो पूजा के बात रखल के तो चांद सौदागर ने साफे मना करी दिल के, जकरा से खिसिया के मानस कन्या ने चांद सौदागर के साफ दे दिल के कि तोर परिवार खत्म हो जेतो और तोरो व्यापारों के नाश हो जेतो। लेकिन सुनला के बादो चांद सौदागर टस से मस नहीं होले। तो वह अपनो बेज्जती से खिसियाए के पांचों मानस कन्या चांद सौदागर के सामने है, उनको 6 बेटा के मरवाए दिल के, कोनो बहाना से मरवाए दिल के। तो भगवान के लिखलो समझी के आरु ज्यादा दुखी नहीं होके चांद सौदागर फिर भगवान शिव के ध्यान में चलो गए। तब एक से खुश होकर भगवान शिव ने चांद सौदागर के आरु एगो बेटा हुए के आशीर्वाद दिल के। पर एक बादो बिसहरी कन्या सभी के गुस्सा ठंडा नहीं होल। तब आगू चली के चांद सौदागर के एगो लखेंद्र नाम के बेटा होल, बेटा बड़ा होल। ओकरा बाद ओकरो बिहा होल एगो उजानी के खूब सुंदर होशियार लड़की रहे, बिहुला नाम रहे ओकरो। तब खूब कोशिश के बादो बिहुला बिहुला के ओकरो ससुर हुए वाला ससुर बताए देने रहे, मने चांद सौदागर ने बिहुला के सब कहानी बताए देने रहे, ई सब बात छे। तो बिहुला बोले के ठीक छे, हमहू कोशिश करबो कि कुछ हुए नहीं हमरो पति के। लेकिन खूब कोशिशों के बादो बिहुला अपनो पति के लखेंदर के वो बिसहरी माय के पर कोपस बचावे नहीं पड़ले। और बिहा वाला राते सापो के काटे से लखेंद्र मरी गले। तब मरलो पति के याद में खूब दुखी हुए के बिहुला ने अपने में वो प्रतिज्ञा करी लेल के कि हमें तब अपनो पति के जान वापस लानिए के रहबे, जान तो वापस लानिए के रहबे चाहे कुछ करे पड़ते। तब अपनो पति के लाश आरु मंजूषा लेके वो एगो नावा पर गंगा में पूर्व तरफ चली दिल के। खूब कष्ट को खूब कष्टों के बाद खूब घाट पार करी के तब एगो अहना घाट पर पहुँचल, जहाँ देखल के कि एगो धोबिन ने अपनो पति आरु बच्चा के आड़ी से काटी के गल्ला और पति के पाट बनाए दिल के जरा कपड़ा धोलो जाए, आरु बच्चा के कूटा बनाए दिल के जरा कपड़ा पर पटकी पटकी कपड़ा धोलो जाए। ठीक, तो ओना करी के वो कपड़ा धो रहल है। आरु कपड़ा धोला के बाद उन्हीं कुछ मंत्र पढ़ल के आरु उनको पति आरु बच्चा फिर वो जिंदा हो गए। तो बिहुला देखी के खूब आश्चर्यचकित हो गए, ये की हो गलो। वो बुझी गए कि यही हमरो मंजिल तक ले जतो, जब अपनो पति के जिंदा कर सके तो दूसरों को कर सके। तो वह बिहुला ओकरा पटेल को के ना आरु ओकरा साथ स्वर्ग लोक गेलो, वहां तब अपनो पति आरु उनको भाई के जान वापस लेके अलो भगवानों से इस शर्तों पे कि चांद सौदागर बिसहरी माई के पूजा करते। तब परिवार भलाई ले ली चांद सौदागर ने अपनो बायां हाथों से बिसहरी माई के पूजा करे के प्रतिज्ञा कर लगे, कहने की हुनी अपनो दायां हाथों से खाली शिव के पूजा करे प्रतिज्ञा करने रहते हैं, बिसहरी माई के बोल के हमें तोरो बायां हाथ से पूजा करवा। तब वही दिनों से पूरे भारत में भादो महीना में बिसहरी पूजा मनेला जाए छे। और वो चंपा नगरी के वो मंजूषा कला उत्तरोत्तर कला के क्षेत्रों में जानलो जाए छे, बुझलो।